हेलो भाई लोग, मैं हूँ रोमी और आप देख रहे हो रोमेंट गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम खेलने वाले हैं पापा वाला गेम प्ले, जिसका नाम है एंग्री डैड। बेसिकली इस गेम में होता क्या है कि एक आदमी रहता है जिसे कि फुटबॉल बहुत पसंद होता है, और जब वो टीवी पर मैच देख रहा होता है तो उसे बहुत सारे बीच में काम आ जाते हैं और इसी वजह से वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। चलो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे गेम की तरफ। तो अंकल यहाँ टीवी देख रहे हैं और आगे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे फुटबॉल का मैच चल रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉल आ गया है। अंकल, अब अंकल को जाना पड़ेगा। वैसे अंकल नहीं, ये तो डैड है। चलो तो डैड जाते हुए जा रहे हैं। डैड, और डैड को गुस्सा आ रहा है। ये क्या, ये डैड कॉल उठाने के लिए जा रहे हैं लेकिन कॉल उठ ही नहीं पा रहा है। अब उठ गया कॉल। ये क्या, डैड गाली दे रहे हैं उसको। ए भाई साहब, भाई क्या है, डैड ने फोन छोड़ दिया लेकिन फोन टूटा नहीं। तगले का पोपट हो गया। और डैड वापस जा रहे हैं मैच देखने के लिए। अब पापा को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन अब शांत हो गए। और ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक घुट में पूरा ही पी लिया। अरे ऐसा बाटली खोल के पूरा नहीं पीने का। पापा मैच देख रहे हैं और पापा को इंतजार है कि कौन गोल करेगा, तो लेकिन क्या हो गया है, पापा को कहाँ बुला रही है। तो चलो हमें जाना पड़ेगा, कहाँ जाना है। लगता है पापा को बर्तन धोना पड़ेगा। ओ भाई मिस गोल, गोल मिस हो गया। ओ भाई फोन की बेल भी बज रही है। लो लगता है जाने वाला है काम से। पता था, पापा का टेम्परेचर बढ़ गया और पापा का सर फट गया। फिर से अंकल यहाँ पे बैठे हुए। अरे अंकल नहीं, ये तो डैड है। चलो डैडी, ये डैडी को क्या काम आ गया। चलो चलो पापा, चलो जाओ जल्दी जाओ। अरे उस पर क्लिक करके ही हम जा सकते, मुझे लगा सिर्फ जॉयस्टिक से काम चलेगा लेकिन उससे काम हो गया। ओह ये क्या करने लगा रहे मुझे, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। डोरीमोन कुछ गैजेट दो। ए जी पी जी यहाँ टीवी देखने में बिजी हो चुका है, पर इसको पता ही नहीं कि कॉल की बेल बज रही है। अरे उड़ गया। अरे लगता है इसे सुनाई भी देता है। अरे तू बहरा नहीं है, देखकर खुशी हुई। अरे सुनकर भी खुशी हुई, लेकिन इसे सुनकर अब हेड अटैक आने वाला है। दख दे रही की हमारा फुटबॉल रेड रेड हो चुका है, कलर भी बदल रहा है उसका। चलो भागो भागो। अरे भागो अंकल जी भागो, जल्दी देखो टीवी देखो। अब अंकल जी मेरा मतलब पापा जी आप बैठ चुके हैं। अरे पापा फिर से एक बॉटल मार ली, एक के बाद एक चालू ही है, एक गड्डी तो रुकती ही नहीं। बच्चे ने शॉट लगाया, कीपर को रुलाया और यह क्या, पापा खुश हो गए भाया। लेकिन पापा अब रोने वाले है, जाओ पापा रोने को, रोना आपकी राह देख रहा है। पापा यहाँ पर एंग्री हो चुके हैं और ये क्या हो चुका है पापा को। ओ भाई इनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। लगता है पापा को बहुत गुस्सा आ रहा है, लगता है पापा कुछ भी कर सकते हैं। टीवी वगैरह मत फोड़ डालो पापा, शायद दोबारा से ये पीने वाले है, लग ही रहा था मुझे। फोन की रिंग भी बज रही है। और ये क्या, इतने सारे काम एक साथ। ओ अरे पी रहे, इतने सारे काम है और इनको पीने की पड़ी है, लगता है ये ह्यूमन आलसी हो चुका है। अरे गेम ऐसा क्यों हो रहा है, इतना हिल क्यों रहा है, इनके सर भी दो दो दिखाई दे रहे, लगता है इन्हें कुछ ज़्यादा ही हो गई। अब पापा उठने वाले हैं क्योंकि गोल हो चुका है। ओ ये खुश होते हुए जा रहे हैं। अब इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुई, लेकिन आज हो रही है। अब क्या ही खुशी होगी साहब। चलो तो इसका रोज का बहाना शुरू हो चुका है अब। और ये जा रहा है टॉयलेट को धोने के लिए, और इसके पता नहीं है कि इतना काम क्यों करना पड़ता है। तो ये बहुत नाराज़ है बेचारा, कुछ दया करो, कुछ रहम करो इस पे। ओ तो अब इसे बर्तन भी घसने पड़ेंगे, लगता है इसकी बेबी कुछ नहीं करती, सब इसे ही करना पड़ता है। अब ये खुश हो चुका है क्योंकि इसे लग रहा है कि अब आराम से टीवी देखने के लिए बैठ सकता है। शायद इसने पढ़ा नहीं कि आराम हराम है, इसलिए इसे इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। ले फ़ोन की रिंग भी बज रही है, एक तरफ फ़ोन एक तरफ गोल, क्या करेगा भाई ये, इसे तो कंटाला आ रहा होगा। ओ शायद गोल होने वाला है, ये भाग रहे हैं बच्चे, इसने गोल मारा और इसने लड़ा। वैसे इस अंकल की तकलीफ देख के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस अंकल की मदद करने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। अंकल रुकिए मैं आ रहा हूँ। हाँ रुकिए मैं आ ही रहा हूँ। अब मैं नहीं आने वाला, मेरे को आना ही नहीं इस घर में। चलो कैसे लोग रहते हैं दुनिया में, इनके आज मदद करने के लिए आना चाहते हैं लेकिन इन्हें आने नहीं दिया मुझे। अब अंकल को लग रहा होगा कि अंकल अब शांति से टीवी देखने वाले है, लेकिन काय की शांति, अंकल के जीवन में पूरी क्रांति है, शांति का नाम निशान नहीं। फिर भी अंकल देसे जूस पीते पीते फिर से अच्छे से मैच देख रहे हैं। वाह अंकल वाह, ओ ये खुश हो गए, बोगैम्बो खुश हुआ। अब ये बोगैम्बो शायद रैम्बो को धोएगा, ये तो बर्तन धो रहा है। ओ भाई फिर से फोन की घंटी, ये क्या हो गया, मतलब एक के बाद एक काम शुरू ही रहता है अंकल का। अरे अंकल फोन कट जाएगा, फोन की घंटी बज रही है, उसे उठाओ पहले। लगता है अंकल फोन वाले से नाराज है, अंकल को चुपचाप उनका मैच देखने देते हैं वरना ये सब तोड़ फोड़ देंगे, इनकी कुछ गारंटी भी नहीं है। पियो अंकल मौज करो ऐश करो। अरे एक ही पियो ना, दो दो क्यों पीते हो। वैसे गाइस ये गेम आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर गेम प्ले पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बटन को ठोक देना, फोड़ देना, तोड़ देना, जो करना है वो मर्जी कर लेना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना। हमें 3 गोल कंप्लीट करने थे लेकिन 2 हो चुके हैं, एक बाकी है और बस अभी वो होने वाला है। ए फोन की तो ये फोन भी आ गया,
ओ जल्दी हो जा गोल, ए बच्चे नुबड़े जल्दी कर। ओ तो फाइनली हम जीत चुके हैं यहाँ पे, मुझे भी पता नहीं वो गोल कैसे हुआ लेकिन जल्दी से जल्दी हुआ, वो तो अच्छी बात है। तो इसी के साथ हमारे टकले अंकल जी का मिशन कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।